लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या लो सेक्स ड्राइव डिप्रेशन का संकेत हो सकता है? मैं इसकी हकीकत आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति काम में बिजी है या किसी बात से परेशान है, तो ऐसे में अक्सर वह लो फील करता है। इस तरह की पोजीशन में सेक्स ड्राइव का कम होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कभी काम का बोझ तो कभी घर की जिम्मेदारियों के कारण अक्सर सेक्स के प्रति चाह कम हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल एक सेट पैटर्न पे चलती है। ऐसा ही शारीरिक संबंध स्थापित करने के संदर्भ में भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कई कई दिनों या महीनों तक लो सेक्स ड्राइव फील करता है। सवाल है कि कहीं ये डिप्रेशन या किसी अन्य मानसिक समस्या की ओर संकेत तो नहीं करता है? क्या लो सेक्स ड्राइव डिप्रेशन का संकेत हो सकता है? ध्यान रखें कि डिप्रेशन कोई सामान्य समस्या नहीं है। इसे आप महज मूड स्विंग से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब व्यक्ति लंबे समय तक लो मूड में रहता है तो उसे कुछ करने का मन नहीं करता है और फिजिकली एक्टिविटी भी कम हो जाती है। यही अवस्था धीरे धीरे डिप्रेशन में भी बदलती है। डिप्रेशन होने पर व्यक्ति को किसी से मिलने का मन नहीं करता है और वह ज्यादातर समय अकेले में बिताना चाहता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति का सेक्स लाइफ प्रभावित होता है। यहां तक कि उसकी सेक्स ड्राइव में भी कमी आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है, इस बात का समर्थन सभी डॉक्टर्स करते हैं कि सेक्स ड्राइव की कमी डिप्रेशन का संकेत हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि कोई डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है और उसे अपने पार्टनर की चीजों में रुचि नहीं आती है। यहाँ तक कि उसका वैवाहिक जीवन भी डिप्रेशन के कारण प्रभावित नजर आ सकता है। कई बार डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति शारीरिक संबंध स्थापित करने के बारे में सोचकर चिड़चिड़ा हो सकता है। डिप्रेशन में सेक्स ड्राइव को कैसे मैनेज करें? ये सबसे जरूरी है कि अगर लंबे समय से डिप्रेशन में है और इसका आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ रहा है तो इसकी अनदेखी ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है कि डिप्रेशन या डल फील करने के बावजूद सेक्स के प्रति रुचि बनी रहे, लेकिन अगर आप अपने पोजिशन बदलना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शारीरिक संबंध से दूरी ना बनाएं। कुछ कुछ दिनों के गैप में अपने पार्टनर के साथ अंतरंग संबंध बनाते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद सेक्स ड्राइव बेहतर नहीं हो पा रही है तो ऐसे में खुद को अलग थलग ना करें। अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग शेयर करें। वह जाहिर तौर पर आपकी कंडीशन को समझेगी और या समझेगा और समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। अगर आपको भी लंबे समय से लो सेक्स ड्राइव महसूस हो रहा है तो इसकी अनदेखी ना करें। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, जरूरी हो तो डॉक्टर से मिलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।